दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने 2021 में रिलीज हुई पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी और साथ ही उसका 5 करोड़ में बना आइटम सॉन्ग भी सुना होगा। जी हाँ, वही सॉन्ग जिसमें समंथा ने अल्लू अर्जुन के साथ डांस किया था। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इंडियन सिनेमा की फिल्मों में बने 3 सबसे महंगे गाने कौन कौन से हैं। नंबर 3, 2013 की रामलीला मूवी से राम चाहे लीला सॉन्ग। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर गई थी। तो फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोण, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए प्रियंका चोपड़ा को बुलाया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाने को बनाने में करीब 6 करोड़ का खर्च आया था। नंबर 2 पर आती है 2013 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की बॉस फिल्म। अब जब आपने ये मूवी देखी है तो आपने इसका पॉपुलर सॉन्ग पार्टी ऑल नाइट तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा और हनी सिंह भी देखने को मिले थे। ये सॉन्ग एक्चुअली 6 करोड़ के बजट पर बना था क्योंकि इसको हनी सिंह जैसे फेमस सिंगर ने गाया था और साथ ही करीब 600 फॉरेन मॉडल्स को एज अ बैकग्राउंड डांसर बुलाया गया था। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है रोबोट 2.0, एक हाई बजट फिल्म। तो इस फिल्म में गाना था मैकेनिकल सुंदरी जिसको बनाने में करीब 20 करोड़ का खर्च आया था। अब इतने भारी बजट में तो एक फिल्म बन जाती है। दोस्तों अपना फेवरेट सॉन्ग कमेंट में जरूर बताना।